हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न विद अस यूट्यूब चैनल में। आज आपको मैं एडोब फोटोशॉप पर मोबाइल से कैप्चर की हुई इस तरह की तिरछी फ़ोटो को सीधा कैसे करते हैं सिखाऊंगा। तो इसे सीधा करने के लिए सबसे पहले मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं। इसके बाद हम टूल्स में से थर्ड नंबर का टूल्स क्रॉप टूल सिलेक्ट करेंगे और जितनी भी फ़ोटो हमें सीधी करनी है उतनी फ़ोटो को हम इसकी मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे जिससे ये क्रॉप अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करते हैं तो इस तरह की ब्लिंकिंग करती हुई एक बॉर्डर इमेज के आसपास आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते ही इस तरह के पॉइंट्स इमेज पर आ जाते हैं। अब हम कंट्रोल की दबाकर इन पॉइंट्स को माउस की लेफ्ट की दबाकर बाहर की ओर ड्रैग करेंगे इस तरह से। नीचे वाले पॉइंट्स को भी हम ड्रैग करते हैं नीचे की ओर। और एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पर देखिए अब सीधी हो गई है। अब हम इमेज में जाकर एडजस्टमेंट करते हैं। ब्राइट कंट्रास्ट को यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फ़ोटो हमारी बिल्कुल सीधी हो गई है। पहले हमारे पास इस तरह की फ़ोटो थी और हमने इसको केवल मूव टूल और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की यूज़ करके सीधा कर लिया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।